ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी को पहले, किसी को बाद में, लेकिन मरना सबको है। और मौत से पहले हमें ये जो सात कार्य है अपने जीवन में ज़रूर कर लेना चाहिए। वो इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि अगर ये सात काम हम नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो जब हमारी मौत करीब आएगी या एक वक्त गुजर जाएगा तब हम इन कामों की ओर सोचेंगे। तो कोशिश करें कि अगर हम आज से ही इन सात कामों के ओर लग जाएं या ये सात काम करने लग जाएं तो हमारे पास जो पूरी जीवन पड़ा है हम एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उन्होंने इन सात कार्यों को ज़रूर अपने लाइफ में फोकस किया है। और ये जो बात है ज्योतिष के अनुसार, ये लक्ष्य कई बार हमारे ग्रहों के मूवमेंट को, ग्रहों की डिस्टर्बेंस में जो हम एक परेशान हो जाते हैं, इस परेशानी से भी हमारा लक्ष्य हमें बचा सकता है। तो वो कौन सी बातें हैं वो पूरा विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर वीडियो को, अभी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए और लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। अवास्तविक नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी करें, कुछ भी अवास्तविक लक्ष्य बना लें। वास्तविक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी से काम करना। लक्ष्य के बिना जीवन का कोई भी लक्ष्य, कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है माफ़ करना। जीवन में आप माफ़ करना सीखें। जो माफ़ करना सीखता है शायद वो बहुत चीज़ें जीतना सीख लेता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी मन में प्रश्न उठते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सभी के जवाबों के लिए आप स्वयं चीज़ों का अध्ययन करें, आप खुद चीज़ों को समझें। क्योंकि जितना आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, जितनी आप चीज़ें समझेंगे, जितनी पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें आपकी अच्छी होगी। चौथा जप, आपके पास जप का बहुत बड़ा पावर होना चाहिए। नहीं कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें। पाँचवीं बात कि सभी ग्रहों को अपने माता पिता की सेवा से आप मैनेज कर सकते हैं। छठी बात, महिलाओं का सम्मान। ओम नमः शिवाय।